को तो है ही, पहले तुम्हारी कंट्री है, क्योंकि इस बार एशियन गेम्स में जो हमने पिछली बार अपना जो अपना स्वर्ण पदक गवाया था, मेंस और वुमेन दोनों टीमें हमारे पीछे एशियन गेम्स में हार गई थी 2018 में, उसको हमने इस बार दोबारा से हमारे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इस बार लड़के और लड़कियों में दोनों में जो है स्वर्ण पदक जीता है, उसके लिए मैं जहां देशवासियों को बधाई और हमारे प्रदेशवासियों को, हिमाचल प्रदेशवासियों को ज़्यादा बधाई, क्योंकि इस बार पहली बार इतिहास में हिमाचल से जो है 6 खिलाड़ियों ने जो एशियन गेम में कबड्डी में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि 5 लड़कियां थी और एक लड़का विशाल भारद्वाज, और 5 लड़कियों में जो हमारे हिंदुस्तान टीम के जो कैप्टन थी वो रितु नेगी ने उस टीम की अगुवाई की। ये जहाँ पूरे देश के लिए फख्र की बात है, हिमाचल के लिए भी, और स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी इस चीज़ पर गर्व है। और आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर किस तरह का जो इवेंट हुआ, और एशियन गेम ने इस बार हिंदुस्तान ने पहली बार 100 का आंकड़ा जो है पार किया, उसके लिए भी सब देशवासियों को बहुत बहुत बड़ा ही माहौल, बड़ा टेंस हो गया था, क्योंकि टीमें प्रेशर में, दोनों टीमें प्रेशर में थी, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने सिल्वर मेडल पे हम लोगों को संतुष्ट करना पड़ा, और जो ईरान की टीम थी वो पिछली बार की गोल्ड मेडल विजेता थी, क्योंकि उनका बड़ा जो कॉन्फिडेंस था बड़ा हाई था, और मैच बड़ा क्लोज था, लास्ट मोमेंट में जो है जब एम्पायर ने डिसीजन दिया तो वो इंडिया के अगेंस्ट पहले दिया, जो कि सरासर गलत था, वो मतलब बिल्कुल भी जो हमारे रूल्स है उसके अगेंस्ट था, क्योंकि पवन शरावत ने जब रेड करी तो एक जो उनका कॉर्नर था वो बैक लाइन टच कर गया था, और पवन शरावत भी जो बाहर चले गए थे, और उसके बाद हमने जब ये सारा एपिसोड हुआ, 2-3 बार रेफरी और एम्पायर ने जो डिसीजन अपने चेंज करे, फिर उसके बाद फाइनली जो वहाँ पे जूरी बैठती है, जूरी ने ये फैसला दिया, उन्होंने प्रॉपर सारा कुछ देखकर उन्होंने फिर 3-1 का डिसीजन दिया, जहाँ से जो हम लोग की लीड आ गया। मैं इस बात का मुझे गर्व है कि मैं हिमाचल से हूँ, और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना हर हिमाचली का फर्ज है, और मैं आपको बता दूँ कि 2018 में जब पहली बार प्रो कबड्डी में गया तो मैं कहाँ से प्रेरित हुआ, वहाँ पे मुझे अभिषेक बच्चन जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन मेरे को किसी ने उनसे मिलाया कि हिमाचल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पिताजी भी पूछ रहे थे कि टीवी पर टोपी वाला कौन है, तो मुझे लगा कि देखो हम लोगों के कब हिमाचलियों की अपनी एक अलग पहचान है। तो चीन में भी जहाँ जहाँ भी मैं गया, मार्केट में गए या वहाँ पर जहाँ हम लोग ठहरे थे वहाँ पर भी ग्राउंड स्टेडियम में भी इतने लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई, बाहर की कंट्री के लोगों ने, तो मुझे लगा यार हमेशा हम लोगों को किसी भी हिमाचल में बाहर जाते हैं तो अपनी अपनी जो है संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए।